من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما آلي على عبد الذين فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بزر لا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما أغفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا ساحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مزرون وآية لهم الأرض ميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ففجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواجا كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين کی یہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پچھلے سنڈے میں جناب نے سورہ یاسین کی کچھ فضیلتوں کو بیان کیا تھا کہ سورہ یاسین وہ مبارک سورہ ہے جسے روایات میں قلب قرآن، قرآن کا دل قرار دیا ہے.
और इसकी तिलावत करने वाले से खैरे दुनिया और खैरे आखरत का वादा है। जो भी इससे मुंसलिक है, दुनिया भी उसकी अच्छी होती है और आखरत भी अच्छी होती है, बशर्ते तिलावत सिर्फ बराए तिलावत ना हो और इंसान इसके मानी और मफाहीम पे भी नज़र रखे, बल्कि इसके अहद इलाही को भी याद रखे जो इसमें वादे किए गए हैं, और इसकी फितरत से लिया गया है। शैतान की इबादत न करे और रब्बुल आलमीन की इबादत से इनहराफ न करे। सूरह यासीन के लिए कुछ हमारे उलमा मराजे का यहाँ तक नज़रिया है और लोगों ने बहरहाल उनके बताए हुए रास्ते पे चले, अमल किया, उन्होंने कामयाबी हासिल की। अगर कोई आप नज़र कर लें कि ये काम हमारा हो जाए, तो हम सूरह यासीन की तिलावत करके गाजी अबुल फजल अब्बास की वालदा जनाब उम्मुल बनीन को हदिया करेंगे, तो वो हो जाता है। अक्सर खुद उनके लिए है कि उन्होंने हिंदुस्तान का इरादा किया कि चलें, तो दिल में ये ख्याल था कि अगर कोई मिल जाता जो साथ में रहता, अब ज़ईफ़ हूँ और कभी जो रास्ता न देखा हो, उस पर ये होता यार कोई स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे मिल जाता और मंजिल तक पहुँच जाते तो बहुत अच्छा होता। एक तालिब इल्म पहुँचे हैदराबाद के, वहाँ एयरपोर्ट पे उनको देखा, सरकार आप? हाँ 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 बेटा, बोले कुछ चाय नाश्ता लेके आए? कहा नहीं नहीं अभी तो पी के। अरे बोले अब घर से तो काफ़ी देर पहले, कुम से तेहरान आना और फिर एयरपोर्ट पे, तो कहाँ नहीं लेके आते। कहा अच्छा तुम लेके आओ, मैं अपनी नज़र पूरी कर लूँ। वो लेके आए, चाय पी, पूछा, कहा मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी कि कोई मेरा रफ़ीक मिल जाता कि मैं बआसानी, घर वाले भी मना कर रहे थे इस उम्र में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब सफ़र करने की उम्र है। उन्होंने सूरह यासीन की तिलावत की, बताया कि जब भी मैं किसी अम्र मुश्किल में मुब्तला होता हूँ तो इसकी तिलावत करता हूँ और हतमी तौर से अपनी मंजिल तक पहुँच जाता हूँ। एक और चीज़ मिलती है कि अगर शहज़ादी की नज़र कर लिया जाए जनाब उम्मुल बनीन की, कि 100 मरतबा इन पर सलवात पढ़ेंगे तो भी जो है इंसान अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। लेकिन आप देखिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ शरायत हैं कि हाजत जो है वो हमारी जायज़ हो, हम हक पर हों, बातिल पे ना हों। मालूम हुआ हम तो गलत काम कर रहे हो, गलत चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं, गलत काम का इरादा कर रहे हैं, तो वो मकसद तो फौत होना ही होना है, उसमें ये सूरत हाल नहीं पैदा हो सकती। बात आ गई है तो और फिर तर्जुमा पेश करता हूँ। शहज़ादी सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, खुद पैगंबर फरमाते हैं रसूलुल्लाह कि जो मेरी बेटी फातिमा के ऊपर 3 मरतबा सलवात पढ़े वो जन्नत में हमारे मकाम में होगा। अब बताएं, अगर आदमी पहली सफ में आके खड़ा हो जाता है तो फख्र समझता है, जन्नत में पहुंचना यही एक बहुत बड़ा मसला है। चाहे जाए कि रसूलुल्लाह के पड़ोस में हो, किसी वीआईपी एरिया अच्छे फ्लैट में पहुंच जाता है तो फूले नहीं समाता है इंसान, अरे मैं कहाँ फला जगह रहता हूँ, मैं कहाँ फला जगह रहता हूँ। और रसूलुल्लाह वादा करते हैं जिसने 3 मरतबा शहज़ादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे सलवात पढ़ा तो उसके वो जन्नत में हमारे मकाम पर रहेगा। एक रवायत में खुद शहज़ादी के पास एक औरत आई और आने के बाद आप पे सलाम किया, शहज़ादी को सलाम किया। शहज़ादी ने फरमाया जो मेरी हयात में मुझ पे 3 मरतबा सलाम करे या मेरी वफात के बाद 3 मरतबा सलाम करे तो उसके ऊपर जन्नत लाजिम हो जाती। ये जो ज़ियारत हम लोग पढ़ते हैं क्या है, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा तज़हरा, अस्सलाम वालेकुम या सिद्दीक़तुल कुबरा, अस्सलाम वालेकुम या ज़हरा, ये सलाम ही है।
तीन मरतबा। अब बताइए सलवात पढ़ना कितना मुश्किल है या ज्यारत पढ़ना कितना मुश्किल है। एक में जन्नत लाजिम होती है, एक में जन्नत में रसूल के साथ रहता। और भी चीजें हैं, रवायत में ये मिलता है कि अगर कोई इंसान किसी मुश्किल में मुब्तिला हो जाता है और चाहता है कि हल हो जाए, तो ये भी है कि आप जब कोई नजर करना चाहें, भले किसी की अकीदत ज्यादा हो कुछ हो, हम पहुंचे हैं मासूम कुम के रोजे पे, मदद मांग रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। एक मिसाल दे रहा हूं, जहां हूं मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं मदद जो है किसी दूसरे आदमी से मांगू तो आपको कैसा महसूस होगा। सब साहिबे करामत, सबको अल्लाह ने अता किया है, कोई अहले बैत के घर में छोटा और बड़ा नहीं है, सगीर होना व कबीर होना सिवा सबके सब बराबर हैं, चाहदा मासूमीन। तो कहते हैं कि अगर किसी की शहादत के दिन करीब हैं, किसी की विलादत के दिन करीब हैं, अगर उस दौरान उस मासूम से तवस्सुल किया जाए तो बहुत जल्दी आदमी कामयाब हो जाता है। ये अय्याम जो चल रहे हैं, शहजादी की एक शहादत की तारीख गुजरी, दूसरी आने वाली है, तीसरी आएगी इंशाल्लाह विलादत की शहजादी की। तो अगर इस दौरान हम शहजादी की तरफ मुतवज्जे रहें तो हम अपनी दुनिया व आखरत दोनों हासिल कर सकते हैं। तो मिलता बहुत आसान है, या जहरा 135 मरतबा पढ़ना। लफ्ज फातिमा के अदद जैसे अली के 110 हैं, मोहम्मद के 95 हैं, बिस्मिल्लाह के 786 वैसे इसके हैं। तो अगर हम लोग जो है 135 मरतबा पढ़ते हैं दो रकात नमाज हाजत पढ़कर कि हमारी ये मुश्किल दूर हो जाए, ये हाजत दूर हो जाए, तो परवरदिगार बहुत जल्द कर देता है। तो लिहाजा ये तबरुकन इंशाल्लाह आने वाले संडे से शहजादी के ऊपर गुफ्तगू होगी, क्योंकि पिछले संडे में आपने सुना रहा होगा जो हमने बयान किया था दौलत के नुकसान, वहीं पे एक वाकया भी दरमियान ही ख़त्म हो गया था। आज बताना था कुछ दौलत के फ़ायदे, इंशाअल्लाह भी तर्जुमे के बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, लेकिन आने वाले में कुछ शहजादी के ऊपर गुफ्तगू होगी। 12 आयतें पूरी हुई थी, 13वीं से है कि पैगंबर आप इनसे बतौर मिसाल इस करिए का तस्करा करें जिसके पास हमारे रसूल आए, लाउसमो बिहाजल बलद, शहर मक्का की कसम जबकि आप वहाँ हैं, तो जहाँ भी रहे रसूल। अब यहाँ करिए से मुराद जो है लिया है कि मैं लफ्ज़े रहमान का इस्तेमाल दलील है, कुफार का नसीजा ये था कि रहमान अपने बंदों को आज़ाद रखता है, कानून की जंजीरों में पाबंद नहीं करता, जिस तरह के दौरे हाजिर के बहुत से मोमिनीन का ख्याल ये है कि खुदा के रहमान और रहीम होने के माना ये हैं कि बंदे को हर तरह की छूट दे दी और किसी बात पर अजाब न करेगा। दर हकीकत ये दौरे कदीम के कुफार का तरका है जो बाद मुसलमानों के हिस्से में आया है। तो यहाँ जो है असहाब करिया की तरफ मिसाल दे रहे हैं कि पैगंबर आप इससे बतौर मिसाल इस करिए वालों का तस्करा करें, यानी इनका नतीजा ये था। जैसे आज देख लें जो गवर्नमेंट के बहुत करीब होता है, कुछ भी होता है उसके लिए गुनाह गुनाह भी नहीं होता, पता नहीं कितने गुनहगार, कितने बड़े बड़े गुनाह करने वाले बरी। और मालूम यह हुआ कि अगर खुदा न खास्ता उसी में कोई दुश्मन आ गया तो ऐसी सजा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये दौरे कदीम में भी था, आज की हुकूमतों में भी है। तो उसी की मिसाल परवरदिगार दे रहा है, इस तरह कि हमने दो रसूलों को भेजा, तुम इन लोगों तो उन लोगों ने झुठला दिया, करिए वालों ने, बस्ती वालों ने, इनकी मदद को तीसरा रसूल भेजा अल्लाह ने जो ऐसा कर रहे थे। रहमान के माना कि बंदों पे रहमान है रहीम है, कोई भी इसका मुआखजा नहीं, दो तो भेजा ही था उनको झुठलाया तो तीसरा नबी रसूल भेजा। सब ने मिलकर ऐलान किया कि हम सब तुम्हारी तरफ भेजे गए। उन लोगों ने कहा तुम सब हमारे ही जैसे बशर, बस्ती वालों ने कहा तुम भी हमारे ही जैसे बशर हो, आज इसीलिए जो है
दूसरे अफराद भी कहते हैं हमारे और रसूल में क्या फ़र्क, उनके भी दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, जबान, बस ये है कि उन्होंने थोड़ा सा कमाल हासिल कर लिया। आज के ज़माने में भी कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कैसे बन जाता है, इल्म हासिल करता है। लेकिन ये इल्म हासिल नहीं करते बल्कि इल्म लदुन्नी अल्लाह इन्हें अता करता है और वहाँ से लेके आते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि आप हमारे जैसे बशर हो, रहमान ने किसी शय को नाजिल नहीं किया, तुम सब झूठ बोल रहे हो। यानी जो तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह का पैगाम कुछ नहीं, अल्लाह ने कुछ नहीं भेजा हो जाए, तुम सब खुदा नखास्ता झूठे हो। उन्होंने जवाब दिया कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, गवाह कौन है, अल्लाह, और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वाजे तौर पर पैगाम पहुंचा देना है। उन लोगों ने कहा कि हम तुम मनहूस उन लोगों ने कहा कि हमें तुम मनहूस मालूम होते हो, अल्लाह, अगर अपनी बातों से बाज ना आओगे तो हम संसार कर देंगे, मार इतना मारेंगे कि मर जाएंगे। जब आदमी गुस्से में होता है, कुछ होता, क्या कहता है, अरे तुम्हारी शक्ल भी देखी नहीं जाती, तुम तो मनहूस लग रहे हो। तो इन लोगों ने ऐसे इल्जामात उन रसूलों पे लगाए, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वाजे तौर से, वो कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि हमारा परवरदिगार, उन लोगों ने कहा कि हमें तुम मनहूस मालूम होते हो, अगर अपनी बात से बाज ना आए संसार कर देंगे, और हमारी तरफ से तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी, यानी सजा देने में कोई मुरव्वत नहीं, हम जितना भी तुम्हारे ऊपर जुल्म इस्तबदाद कर सकेंगे करेंगे, तुम ज्यादा करने वाले लोग हो। शहर के एक सिरे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, कौम वालो, मुरसलीन का इत्तबा करो। एक शख्स निकला पूरी बस्ती, वो दौड़ता हुआ, कौन सा था, इस शख्स का नाम हबीब नज्जार बताया गया। अगरचे कुतुबे साबिका में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन ये किरदार काबिले तवज्जो है। उस शख्स ने जब ये देखा कि कौम अंबियाए कराम के लिए आमादा कत्ल है, तो उनकी कुमक के लिए निकल पड़ा, नहायत हसीन लहजे में अपना ईमान जाहिर किए बगैर अपना काम शुरू कर दिया। काम पे पहले लगा, और कभी कभी क्या होता, हम काम तो कम करते हैं, हुल्लड़ हंगामा ज्यादा करते हैं, हमको तो ये कर देना, ये कर देना, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, करना कुछ नहीं। जैसे इलेक्शन होता है, आपने देखा होगा, जहां जीत गए 5 साल, अब जो है हवेली मिल गई, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, संसद है, वो है, भाड़ में जाए पब्लिक, नहीं तो ये हम कर देंगे, यहां ये सहूलियत कर देंगे, ये कर देंगे, वही उन्हीं जैसी कि खूब जो है ये जो है बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। अव्वल तो ये कि मुसलीन कहकर हमदर्दी हासिल करना चाहिए, फिर इनकी बुलंदीय किरदार की तरफ इशारा किया कि इतनी मेहनत के बाद कोई अज्र नहीं मांगते, तुम्हें समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई अज्र भी नहीं मांग रहे हैं, और हिदायत याफ्ता भी मालूम होते हैं, फिर असल मसले की तरफ तवज्जो दी। बज़ाहिर तो ये कहा कि मैं अपने खालिक की इबादत क्यों कर न करूँ, लेकिन वाकयन कौम को मुतवज्जे करना था, इसीलिए इलैहे तुर्जऊन, यानी आप ही की तरफ पलटना है, लफ्ज का इस्तेमाल किया, फिर इसके बाद आखिर तक इन्हें खुदाई एहसानात की तरफ तवज्जो दिलाई कि जो कुछ तुम्हारे पास है ये अल्लाह ही की मदद से है, मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, मैं उनको कैसे खुदा ना मानूं, खुदा कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो बचा भी नहीं सकता, सिफारिश भी नहीं कर सकते, आखिर में जब जन्नत हाथ आ गई तब भी दिल दर्दमंदी से यही निकला, काश मेरी कौम अजर व सवाब से बाखबर होती और ईमान लाती, तब भी शिकवा नहीं आया इन लोगों को जबान पे, इन अम्बिया मुरसलीन को कौम ने इतना झुठलाया, सब ना कोई फायदा पहुंचाया ना कुछ, जन्नत तक ये कौम पहुंच गई लेकिन इन्होंने शिकवा नहीं, परवरदिगार तेरी राह में जो हमें करना था हमने किया, नहीं मानी तो हमें जबरदस्ती मनवाना नहीं, तेरा पैगाम था हमने पहुंचा दिया।
इनका इत्तेबा करो, किसका, मुसलीन का इत्तेबा करो, वो नज्जार, हबीब नज्जार ने कहा इनका, सारी कौम एक तरफ तनो तनहा एक। सोचे आज का जमाना तो बहुत अच्छा है कि कम से कम अगर एक जाकिर भी आता है तो 100, 200, 500 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, पूरी कौम में से एक हमदर्द निकला, दो रसूल भेजा, फिर तीसरा भेजा उसके बाद। आप सोचो तो उस जमाने की तबलीग में, आज की जमाने की तबलीग में बहुत ज्यादा फर्क। आज जहनी तौर से लोग आमादा हैं, इनका इत्तबा करो जो तुमसे किसी तरह का अजर का सवाल नहीं करते हो, हिदायत याफ्ता है। मुझे क्या हो गया है मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। यानी कितना बेवकूफ इंसान है कि जो मेरा खालिक है, मालिक है, सब कुछ जिसने दिया, उसकी मैं इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब उसी की बारगाह में पलट के जाओगे। आज यहां दुनिया में चाहे जो कर लो, लेकिन जाना तो वही है। क्या मैं इसके अलावा दूसरे खुदा इख्तियार कर लूं जबकि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? तो किसी की सिफारिश काम करने आने वाली नहीं है और ना कोई बचाने वाला है। अगर आप दूसरे को इख्तियार भी कर लेते हैं, दूसरे का इत्तबा कर ले रहे हैं, फरमा बरदारी कर ले रहे हैं, तो क्या होगा? क्या खुदाई में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा ना, उसकी खुदाई मुसल्लम है। आज चाहे 10,000 मुसलमान हो, चाहे 10 करोड़, 10 मिलियन, चाहे जितने भी हो, सूरज उसी टाइम पे निकल रहा है, डूब रहा है, बारिश हो रही है, जमीन है, समंदर मौजे मार रहा है, दरिया में पानी है, जमीन की तहों से उसने पानी को फराहम किया, हवाओं को जारी किया, टाइम से दरख्त फल दे रहे हैं, जमीन अनाज दे रही है, सब कुछ। अब जो उसके बामारफत बंदे हैं वो अमल कर रहे हैं, जो बेमारफत हैं वो जुल्म सितम कर रहे हैं। अल्लाह ने एक मोहलत दे दी, तुम जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, हम तुम्हें कुछ अमल की जजा इस दुनिया में भी देंगे और ज्यादा आखरत में देंगे, कुछ गुनाहों की सजा जरा सा कलील यहां देंगे, अक्सर की जो है हम कयामत में देंगे। इसीलिए जन्नत और जहन्नम को अल्लाह ने बनाया। मैं तो इस वक्त खुली हुई गुमराही में हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ले आया हूं, लिहाजा तुम मेरी बात सुनो। फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुसलिम कि मैं तो ईमान ले आया हूं, तुम भी ईमान ले आओ। नतीजे में उन बंदों से कहा गया जन्नत में दाखिल हो जा, तो उसने कहा कि ऐ काश मेरी कौम को भी मालूम होता। जब मुसलिम मंजिले जन्नत तक पहुंचे तो हुक्म हुआ कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उस वक्त भी उन्होंने इजहार अफसोस ही किया, काश मेरी कौम ने मेरी बात सुनी हो, तो आज जहन्नम में न जाती, मेरे साथ जन्नत में जाती। तो सोचिए ये मुबल्लिगीन उलमा जिन्हें अल्लाह ने अपना नायब बनाया, जिनके कांधों पे जिम्मेदारियां दी, ये अगर हकीकत में आलिम होगा। देखिए कोई शेरवानी टोपी लगा ले, अमामा अबा कबा पहन ले तो मौलवी नहीं हो गया, लिबासी शैतान भी आ जाता अच्छे से अच्छे लिबास में, बेहतरीन दाढ़ी एक एक फिट की रख के आ जाता है और बहकाता है, नमाजी के बाजू में नमाज पढ़ के भी बहकाता है, सिनेमा में जाके नहीं बहकाता, बाजू में बैठ के बहकाता। लेकिन ये जो खास बंदे होते हैं, जब इनके पास आप बैठेंगे तो आपको दुनिया से ज्यादा आखरत की चीजें मिलेंगी। कोई भी आगा कहीं भी चले जाए, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उसकी कोई भी मोनोपोली होगी नहीं बताएगा। दुनिया में आपको एक आलिम मिलेगा जो आपको हर बुराई से रोकने की कोशिश करेगा, हर अच्छाई को आप में दाखिल करने की कोशिश करेगा। कभी वो नहीं चाहेगा कि ये नुस्खा मुझे मिल गया है, मैं न बताऊं अकेले जन्नत में चला जाऊं। वो मौलवी हो ही नहीं सकता, आलिम हो ही नहीं सकता, मुज्तहिद हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि सबसे फयाज अगर कोई जात है तो उसका नाम आलिम, इसलिए कि वो अपने इल्म को कभी छिपाने की कोशिश नहीं करता।
बताने की, वही हमारे अंबिया और मुरसलीन ने किया, वरना जन्नत मिल गई, हम ऐशो आराम से रह रहे हैं, दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन जन्नत के दरवाजे पे भी पहुंच के अफसोस है, काश मेरी कौम ने मेरी बात को सुना होता। नतीजे में उस बंदे से कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो उसने कहा ऐ काश मेरी कौम को भी मालूम होता कि मेरे परवरदिगार ने किस तरह बख्श दिया है और मुझे बाइज्जत लोगों में करार दिया। तो मालूम यह हुआ कि अंबिया और मुरसलीन की पहली ख्वाहिश और आखिरी ख्वाहिश यही थी कि कौम किसी न किसी सूरत से हमें नजात अता करवा दे। आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था वो ये कि दौलत के नुकसान और दौलत के फायदे, कल्ला इन्नल इंसाना लियतगा अन राहुस्तगना, कि इंसान जब मुस्तगनी हो जाता है कोई भी हो किसी भी एतबार से, मुस्तगनी का मतलब ये होता है कि अब उसे किसी चीज की एहतियाज नहीं। एक इंसान है वो दौलत के एतबार से मुस्तगनी हो सकता है, एक आलिम है शायद उसे अपने इल्म पे इतना नाज हो कि मुझे ना कोई किताब चाहिए ना किसी आलिम की जरूरत, तो फिर समझ जाइए कि ये कभी भी हिदायत से भटक सकता है। ये किसी में माहिर है किसी चीज में, ये सब कुछ नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे, तो किसी चीज में भी अगर वो मुस्तगनी हो जाता है तो फिर सरकश बन जाता है, वो कहता है जो मैं कहूं वही आखिरी है, चाहे वो दौलत के एतबार से हो, हुनर के एतबार से हो, इल्म के एतबार से हो, इख्तदार के एतबार से हो, ये चीज आती है। माल शैतान का बहुत बड़ा फंदा है, माल जो है इतना बड़ा फंदा है, वो कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे बच ही नहीं सकते, या तो माल की मोहब्बत इनके दिल में इतनी डाल दूंगा कि इसके दीवाने हो जाएंगे, कैसे भी इसे हासिल करना है, या इसके लिए इतना आसान कर दूंगा, दौलत का ना इशारा किया तो आ गई, अब जब इतनी आसानी से आएगी तो जहां चाहेगा वहां खर्च करेगा। आप देखें जो अफराद मेहनतों मशक्कत करके दौलतों सर्वत कमाते हैं वो बहुत सोच बूझ के खर्च करते हैं, और जिसके यहां आंधी की तरह आता है, एक शायर कहता है माले हराम आता है सैलाब की तरह, लेकिन ये माल तुमसे बचाया न जाएगा, आता भी है आंधी तूफान की तरह जाता भी वैसे, कब आया कब चला गया पता नहीं। फिर ये कहता है कि इससे भी बड़ा फंदा मेरे पास औरत का है, इसीलिए हमारी शरीयत में यह है कि नामहरम औरत के साथ तन्हाई में बैठना, क्यों कि कभी भी फेले हराम सरजद हो सकता है, तीसरा शैतान आ जाता है कि अब जो है यह होगा। माल की मोहब्बत आकबत को खराब कर देती, जब हद से ज्यादा आप माल के दीवाने हो जाएंगे तो फिर मरहूम कर्राल साहब अल्लाह गरी के जन्नत करे, ये जब तंजीम मुकातिब का इदारा शुरू हुआ तो गुलाम अस्करी साहब के साथ साथ थे हर जगह इधर उधर, तो उन लोगों ने बेचारों ने स्टेशनों तक पे मोमिन से मांग लिया, चलते फिरते कहीं से नजर आ गया कि ये अपना वाला दिख रहा है या बाहेजाब मस्तूरात दिख रही, दाहिने बाएं देखा कोई वहां भी का, एक जगह हम लोग गए, नाम लिया मैं नहीं लेना चाहता, वहां एक बहुत बड़े आदमी थे उनके पास गए, सरकार ऐसा ऐसा है, उन्होंने चाय वाय मंगाई, मुस्कुराते रहे, कहा हुजूर आपसे क्या बताऊं, अगर कोई इंसान मेरे पास पैसा बतौर अमानत भी रख जाता है कि रखो आता हूं ले जाऊंगा, तो फिर वो भी देने का दिल नहीं कहता है। जी जाए कि आपको चंदा देना, समझ रहे हैं?
तो कभी कभी इस दर्जा, देखिए अल्लाह देता जरूर है, जिंदगी में एक दो मौका आप किसी की भी जिंदगी पे सर्वे कर लें तो एक दो मरतबा जरूर ऐसा मौका आता है कि अल्लाह उसे दौलत सरवत देता है। अब देखिए उसी में संभलना, अगर संभल गया उसे सही रास्ते पे इस्तेमाल कर लिया, इसको कहाँ डालना है कैसे डालना है कि इससे, और अगर उसी कल का मालिक अल्लाह, मालिक तो अल्लाह है लेकिन उसने भी अक्ल दी है, उसने भी कहा है कि नहीं, क्या उसने नहीं कहा रिस्क तलाश करना चाहिए, क्या उसने नहीं कहा कि मेहनत मजदूरी करना चाहिए, क्या अंबिया ने तिजारत नहीं की, कोई जीन बना रहा था, कोई दर्जी थे, किसी ने खेती बाड़ी की, किसी ने गल्लेबानी की और किसी ने जो है जानवरों को पाला, ये सब क्या किया, जो उस जमाने की अच्छी से अच्छी तिजारत थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा था किया। तीसरे बता रहा था मैं चलते चलते जो रुक गई थी बात, कि शैतान पहले के जमाने में बाकायदा नबियों से कहता था कि ये आपकी उम्मत, आपने तो ये समझाया ये समझाया ये समझाया, हमको भी इसके ऊपर ट्राई करने का मौका दीजिए कि हम इससे क्या करवा सकते हैं, तो शैतान को तसल्लुत मिल जाता था, यहां इम्तिहान ले लो कर लो। इस उम्मत को अल्लाह ने बचाया, शैतान बहकाता जरूर है लेकिन तसल्लुत का अख्तियार नहीं मिला, अब इंसान के अख्तियार में, लेकिन उसको तो फुल उस जमाने में मिल गया था कि नहीं तुम करो। तो एक शख्स के पास आया, वो आने के बाद कहा ये तीन काम में से एक काम करना होगा। कहा क्या? कहा जो तुम्हारे पड़ोस में आबिद है इसको कत्ल कर दो। कहा ये तो बहुत टेढ़ा काम। फिर कहा अपने मां बाप को मारो। कहा मां बाप का एहतराम करना ये सब दीन मजहब का पाबंद था, ये भी बहुत सख्त है। तो कहा तीसरा काम ये, थोड़ी शराब पी लो। तो मैंने कहा अगर हमें भी और आपको भी इस काम में अख्तियार दिया जाए तो क्या करेंगे? कहा था कि नहीं? अब बताइए, एक हफ्ता हो गया, क्या किया जाए? हमने भी तो होमवर्क दिया था। इसने सोचा बेचारा सबसे आसान काम यह है कि थोड़ी सी शराब पी ली जाए, कम से कम ये दो बड़ा खून कत्ल करना और मां बाप जहां उफ नहीं कर सकते हैं। इसने पिया, ले आया पिया, अब मां बाप ने देखा डांटना शुरू कर दिया, ये तुम क्या कर रहे हो ये हो, शैतान ने गुस्सा दिलाया, अब ये मां बाप को भी मारा। मां बाप की पिटाई कर रहा था कि पड़ोस से वो आबिद आ गया, उसने बीच में छुड़ाना शुरू किया, और जो छुड़ाना शुरू किया तो इसको और गुस्सा आया, इसने कुछ खंजर तलवार जो भी उस जमाने में रखी हुई थी उठा के मारा ये भी। तो मालूम हुआ कि कभी कभी जिस गुनाह को हम छोटा समझते हैं वही गुनाह बहुत बड़ा बन जाता है। उम्मुल, समझे, हर जुल्म की जो है असासो बुनियाद बन जाता है। आप देखें कहीं कहीं कि बादशाह ने कहा कि या तो हमारे बच्चे को पढ़ा दो या ये कर दो या ये की एक दिन हमारे साथ दावत खा लो, तो उन्होंने भी यही सोचा कि सबसे आसान दावत थी, खाया तो क्या नतीजा हुआ कि बाद में ये नौबत पहुंची कि कत्ले हुसैन का फतवा देना पड़ा। तो गुनाह कोई छोटा नहीं है, कहने का मकसद ये है, खुलासा कलाम ये है कि कोई छोटा नहीं। दौलत के फायदे भी हैं आखरत के लिए, वजत का पैगंबर के लिए है, वजत का आयलन फागना, ऐ पैगंबर हमने आपको तंग दस्त देखा तो क्या मालदार नहीं किया? जनाब खतीजा के जरिए से कितनी दौलत और सरवत मिली, इस्लाम को आगे बढ़ाया, जो भी चाहने वाले थे मानने वाले थे इस्लाम लाते गए, उनकी जरूरियात को पूरा करते गए, उनके कर्जों को अदा करते गए, धीरे धीरे इस्लाम परवान चढ़ता चला गया।
छठे इमाम फरमाते हैं तवंगरी के जरिए भी दुनिया में आफियत और आखिरत में मगफरत और जन्नत की तसल्ली दी है। जन्नत के जरिए तीनों चीज, दुनिया के जरिए तीनों चीजें। अगर पैसा है तो बहुत से मसायब और शदायद से हम इस दुनिया में बच जाते हैं। जरा सा बीमार हुए फौरन दवा ले ली, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल पहुंच गए। तो दौलत के जरिए आफियत भी है, या कोई खुदा न खास्ता परेशान करना कुछ चाहता है तो हमने सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया। तो दौलत में आफियत भी है और आखिरत भी है। आखिरत कैसे? आप देखें कि सही के साथ सिले रहमी की, आपने हज किया, आपने उमरा किया, ज्यारत की, फितरा निकाला, जक़ात निकाली, खुम्स निकाला, सिले रहमी की, ये काहे से की? दौलत से की। सिले रहमी की, माल में इजाफा हुआ, जक़ात दी, माल महफूज हुआ, खुम्स निकाला, अल्लाह ने कहा कि हम तुमको इससे कई गुना ज़्यादा, जैसे बद्र वालों को दिया उससे ज़्यादा देंगे। हज किया, अल्लाह ने कहा कि तुमने जो है गुर्बत को इस तरीके से ख़त्म किया जैसे लोहार भट्टी में लोहे को काट खाए हुए डालता है, जब सुर्ख हो जाता है एक घन लगाता है साफ। अगर जितनी जल्दी इंसान हज या उमरा करता है, ज़ियारत सरकार सैयदुश्शोहदा की, गुर्बत ख़त्म, फिशार कब्र से महफूज, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसके ज़रिए से इंसान किसी की, मोमिन की सिले रहमी की, उम्र में इजाफा, अजीज़ों के साथ किया उम्र में इजाफा, दौलत में इजाफा, तो ये काहे से? ये जो है दौलत ही से। अब जब ये सब चीज़ें हमको मिलती चली जाती हैं तो जन्नत भी हासिल हो जाती है और जन्नत में बाला मकाम भी हासिल हो जाता। तो दौलत के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। दौलत के ज़रिए से शद्दाद भी वजूद में आया, फिरौन भी वजूद में आया, हमान भी वजूद में आया, कारून भी वजूद में आया, सद्दाम जैसा भी आया, समझे? तो मालूम यह हुआ कि हर किस्म के लोग मौजूद हैं। तो दौलत जो है हमें दुनिया के लिए भी फायदेमंद है, आखिरत के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन जब हम उसको उसी के सहारे पे चलाएं। पांच चीजें ऐसी हैं अगर किसी को नसीब ना हो तो उसकी जिंदगी बदमजा हो जाती है, बेकार, थर्ड क्लास। इसमें से कुछ भी मिस हो गया तो समझ जाइए उसकी जिंदगी में फायदा नहीं। नंबर एक, सेहत। चाहे जितनी दौलत हो, सेहत ही नहीं, जिंदगी बदमजा। अमन व अमान, बहुत दौलत है, बहुत सर्वत है, हर गली से निकलने में सोचना पड़ता है, कमांडो रखे हैं, ये किया है, वो किया है, घर जो है, बंगला जो है, चारों तरफ से घिरा पड़ा है, सब कुछ है, कहीं इत्मीनान सुकून के साथ बैठ नहीं सकते, हर वक्त इधर उधर नजरें, सब कुछ, जिंदगी बेकार। तीसरी चीज, गना और तवंगरी, यानी फुल दौलत और सर्वत हो इंसान के पास कि अपने वसाइल को आराम से चला सके। नंबर चार, कनात, यानी अगर थोड़ा भी है तो उसमें चलाने की कोशिश करे, लालच न करे, अल्लाह मददगार बन जाएगा और उसे ज्यादा जाने। पांचवें जो है, हम मिजाज साथी, जिसके साथ हम उठते बैठते हो उसका नजरिया हमारा नजरिया मिलता जुलता। अगर मिलता जुलता नहीं है तो रोज कोई न कोई क्रास सवाल करेगा और हम पूरा दिन उसी के जवाब में रह जाएंगे, जिंदगी बदमजा हो जाएगी। मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं, दौलत और फरागी रिस्क की वजह से खुश ना हो। अगर तुम्हें खूब दौलत मिली है, खूब ऐशो आराम से हो तो खुश ना हो, और फक्र बला की वजह से गम ना खाओ। कभी गुर्बत आने लगी, कभी कोई मुसीबत मंडलाने लगी, अब डरो नहीं। कान्नहम बुनियानुम मलसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। उस वक्त ये तलाश करो कि आया हम जो हैं हक पे हैं कि नहीं। अगर हक पे हैं तो जो करबला वालों को हुआ वो हमारा हो, जो बद्र वालों का हुआ वो हमारा हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मरना सबको, चाहे आज मर जाए चाहे कल मर जाए। तो मौला फरमाते हैं गम न खाओ, क्योंकि सोना आग में डालकर परखा जाता है और मोमिन बलाओं के जरिए आजमाया जाता है।
जो लोग बेन्याज होकर रहना चाहते हैं, जो लोग बेन्याज यानी किसी से मांग के काम नहीं चलाएंगे, देखिये जरूरत एक दूसरे की है, वरना समाज माशरा खानदान अल्लाह न बनाता। लेकिन एक ज़हनियत यह है, आज इस चीज की जरूरत इनसे लेना, कल ये काम ये करते हैं इनसे लेना है, ये काम ये करते हैं इनसे कह के करवा लेना। मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं जो लोग बेनियाज होकर रहना चाहते हैं अल्लाह उसे गनी कर देगा। मालदार किसे करता? जो बेनियाज होना चाहते हैं। नहीं भाई, 10 नल लगे हुए हैं, हमको पानी नहीं पीना, हमको तो अपना कुआं खोद ही के पीना, भले 3 दिन प्यासे रहें। हमको मालूम है कि नहीं, दोपहर में खाना नहीं है हमारे घर में, पड़ोसी कह रहा है भेज दे, नहीं भाई चल जाएगा, हम तो आज जो है नाश्ता बहुत अच्छा किया, पता है शाम में मिल जाएगा। तो जो बेनियाजी करता है अल्लाह उसे गनी कर देता है। हत्ता वो है जो कनात को हर चीज पे तरजीह देता है। कामयाब वही हो जाता है जो कनात को तरजीह देता है, चाहे जितना आपके पास हो जाए। देखिए कनात का मतलब, कनात अलग है और बखीली अलग है। बुखल ये है कि न लिबास ले पा रहे हैं, न सही से खा पा रहे हैं, न कुछ। लेकिन ये के भी है कि भाई 200 रुपये मीटर के कपड़े में काम चल रहा है तो 5000 रुपया मीटर, 1000-1500 रुपये का शूज ठीक ठाक मिल जा रहा है, 500-700 रुपये का चप्पल ठीक ठाक, यानी समाज माशरे में आप खड़े हो सकते हैं। अब जबरदस्ती हम 40000 का लेके आ रहे हैं तो ये फजूल खर्ची, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। आप 5000-2000-2500 में भी काम चल सकता है, समझ रहे हैं। हाँ, अब एकदम से मालूम हुआ कि स्लीपर पहन के टहल रहे हैं, करोड़ोंपति हैं, तो उसकी भी अल्लाह ममानियत करता है। फिर जो है दुआइया कलिमात में मौला फरमाते हैं, ये आखिरी हदीस है इस सिलसिले की, इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम राजी रजा रहने के बारे में फरमाते हैं कि मुझे उससे महफूज रख कि नादार को जिल्लत और हकारत की नजर से देखूं, किसी गरीब को गुर्बत की वजह से जलील और हकीर समझूं, या किसी साहिब सरवत के बारे में उसकी सरवत की बिना पर फजीलत और बरतरी का गुमान, अरे ये तो दौलत वाला है इसे क्या कहना, दौलत की वजह से अगर उस मैं इज्जत और एहतराम उसका ना करूं, अमल की बुनियाद पे करूं, इखलाक की बुनियाद पे करूं, किरदार की बुनियाद पे करूं, ये नमाजी है इसलिए कर रहा हूं, ये मस्जिद में टाइम से आता है इसलिए कर रहा हूं, ये इबादत इलाही कर रहा है इसलिए, ना तो इसको हकीर नजर से इसलिए देखूं कि दौलत नहीं है। मौला दुआ करते मुनाजात में कि परवरदिगार वो दिन ना आए कि मैं किसी गरीब को उसकी गुर्बत की वजह से हकीर और कमजोर जानूं, और ना तो किसी दौलतमंद को इसलिए उसका इज्जत और एहतराम करूं कि इसके पास दौलत तो सर्वत है। लिहाजा हमें किसी गरीब से नफरत नहीं करना चाहिए गुर्बत की वजह से, और किसी अमीर से उसकी दौलत और सर्वत की वजह से मोहब्बत नहीं करना चाहिए। वह आखरो दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बारेलह बहक चहद मासूमीन अलैहिस्सलाम तमाम मोमिन मोमनात को रिस्क व रोज़ी इनायत फरमा, जो इस दुनिया से चले गए उनकी मगफरत फरमा, जवार आइम्मा मासूमीन में जगह इनायत फरमा, हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमा, मज़ारात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए अल्लाम के सायों को हमारे सरों पे बाकी फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके ऐवान व अंसार में शुमार फरमा। وتقبل منا انك اللهم المؤمن والمؤمنات ديرونا جواب ما سوره فاتحه
الله يا الله.